आज हम बना रहे हैं तरबूज की बास्केट। तो शुरू करते हैं, इसको जनाब यहां से काटेंगे आराम आराम से। बड़े तसल्ली बख्श काम होता है। ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा। स्ट्रेट कर लेंगे इसको। ये देखिए ऐसे इसको यहां से खाली कर लेंगे। यहां से काट लेना है, हमें गूदे को सारा निकाल लेना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे इसको यहां से खाली कर देना है। ये मेरे पास ये बॉल्स बनाने का है, इसको ऐसे करके बॉल्स निकालते हैं। इसको हम पूरा ऐसे खाली कर देंगे, ऐसे बॉल निकाल निकाल के। ठीक है, देखो बॉल कैसे निकलती है। पूरा इसको हम खाली कर देंगे। ठीक है, घुमा घुमा के निकालेंगे, बॉल बन जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छुरी से इसको पूरा खाली कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने खाली कर दिया है और इसमें से ना बार बार जैसे रस निकलता है ना, तो मैं इस प्याले में ऐसे करके रस को निकाले जा रही हूँ। और ये जो है मैं ऐसे 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 खुरच लिया मैंने सारा, तो ये खाली हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं बॉल्स आपको बनाना सिखाऊं। ये देखें, इसको ना ऐसे गोल गोल घुमाएंगे ना, उसके अंदर बड़ी अच्छी बॉलें निकल रही थी। ऐसे गोल गोल घुमाते रहे इसको, ये बॉल निकल आई है। बड़ा मजा आता है इसको करने में, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये ऐसे घुमाया। मैं ऐसे काट लूंगी, इसमें खाली हो गया है, मैं साफ कर देंगे हम। अच्छा, अब इसके बाद हमें पता है क्या करना है, इसमें डिजाइन बनाना है। डिजाइन ऐसे बनेगा, हल्के हल्के ऐसे ये कट लगाएंगे। अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा हमें, तसल्ली बख्श काम करने के लिए। हल्के हल्के ऐसे कट लगाएंगे, ऐसे बनाएंगे। और ये जो इसका हैंडल है, ये देखिए मैंने काट लिया है दोनों तरफ से। अब इसका जो हैंडल है इसको भी हम ऐसे ही कंगूरे बना लेंगे। बहुत हल्के हल्के धीरे धीरे कीजिएगा, एक भी गलत कट गया या आपका तरबूज का जरा सा कुछ भी खराब हो गया ना, तो फिर ये पूरा तरबूज खराब हो जाता है। अब ये देखिए मेरा यहाँ से ज्यादा कट गया। मैंने ये रमजानों में भी बास्केट बनाई थी, बनाती रहती हूँ, और वो बहुत छोटा वाला मुन्ना वाला तरबूज था। उसके अंदर मैंने मोहल्ले में जब बांटा था
इफ्तारी बांटते थे तो उसके अंदर बास्केट के अंदर रख के मैं फ्रूट्स वगैरह भेजा करती थी। वो भी मेरे पास तस्वीर है, तो जब मैं अभी यूट्यूब पे जब अभी अपलोड करूँगी ना वीडियो, तो शुरू में जो पिक्चर आएगी ना वो वाली मैं रमजान वाले बास्केट की लगाऊंगी, आप देखिएगा। अच्छा, और एक अहम बात ये है कि इसका जो पेंदा है ना ये हम चेक कर लेंगे, और अगर ये पेंदा आपका ऐसे बैठता नहीं है कहीं पे, इसमें हल्का सा ना ऐसे तिरछा ऐसे करके हल्का हल्का वो छील देंगे यहाँ से, ठीक है, ग्रीन पार्ट जो है आपका ऐसे करके बैठ जाएगा। अब ये देखिए, ये मैंने ये पूरी कटिंग कर ली है, ठीक है। और कभी कभी मैं इसके अंदर भी लाइट लाइट डिजाइनिंग कर देती थी, ये ऐसे करके कुछ भी यहाँ पे डिजाइन बनाने चाहिए तो आप ये ऐसे ऐसे खुरच लें, लाइन बना लें, कोई भी इस पर डिजाइन बना लें, ठीक है, बड़ा प्यारा लगता है। चाहे तो ऐसे ऐसे लाइनें मार लें इस पे ऐसे, ये देखिए कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है ये। प्रैक्टिस की जरूरत है, पहले शुरू में मेरे बड़े खराब हुए हैं तरबूज, प्रैक्टिस हो गई थी मुझे फिर तो, बहुत ही मजा आता था बनाने में, ठीक है। इसके बाद जो हमारे ये जो तरबूज हैं ये भर दीजिए इसके अंदर, या कोई और फ्रूट अगर आप भरना चाहते हैं वो भर लीजिए, ये सब भर लें इसके अंदर, ठीक है, चमचे से डाल दूंगा। ये देखें हमारी बास्केट तैयार है, चारों तरफ से आप देखें आप लोग, और ये बॉल्स भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और जो नीचे वो पतले से थे वो भी इसके नीचे डाल दी है मैंने, और बहुत प्यारी लगती है ये, बहुत खूबसूरत लगती है। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इसको बनाइए।